नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन में मिलेगा सिर्फ चावल। तो देख लेते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि चावल कितने महीने तक मिलेगा सोसाइटी में। तो कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो रेगुलर वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन में मिलेगा सिर्फ चावल। अब जो है गेहूँ नहीं मिलेगा सोसाइटी से, अब सिर्फ राशन मिलेगा। तो जान लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन में केवल चावल का वितरण 19 जून से जो है शुरू होगा, जैसे कि आज से शुरू होगा। इस दौरान अत्यंत व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट केवल 5 किलो चावल निःशुल्क जो है वितरित किया जाएगा। गेहूँ नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी तक योजना में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था पर पर्सन। PMGKY जो के तहत प्रति यूनिट केवल चावल का वितरण मई से सितंबर तक किया जाएगा। तो ये चावल का वितरण है दोस्तों मई से लेकर सितंबर तक किया जाएगा, जबकि राशन के नियमित वितरण के तहत पहले की तरह ही गेहूं व चावल दोनों मिलेंगे। बाद में सितंबर के बाद में गेहूं और चावल दोनों जो पहले की तरह मिलते हैं वही मिलेंगे। बाकी अभी जो मई से सितंबर तक दोस्तों जो है चावल मिलेंगे सिर्फ। 19 जून से मिलेगा मई का जो है चावल। तो वितरण में एक माह की देरी के कारण 19 जून से वितरित होने वाला चावल मई का होगा। DSO सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जो प्रधानमंत्री जो योजना है कल्याण योजना के तहत 5 माह तक अब प्रति यूनिट केवल 5 किलो चावल मिलेगा। वितरण 30 जून तक चलेगा और पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होगी। आधार प्रमाणीकरण के जरिए जिन कार्ड धारकों को राशन ना पाने वाले कार्ड धारक 30 जून को OTP वेरिफिकेशन के जरिए राशन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि जो है अभी चावल मिलेंगे, गेहूँ नहीं मिलेंगे सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, कभी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।